राम राम। मैं पंडित इसके मिश्र संभोग वशीकरण का एक प्रचंड प्रयोग यहाँ पर देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यह प्रयोग युवक युवती स्त्री पुरुष सभी के लिए है। सदाभाव विश्वास के साथ समर्पण के साथ अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत सरलतम प्रयोग है, मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि भूल करके भी इसका दुरुपयोग नहीं करना है। इस प्रयोग में आपको पेशाब करना है। पेशाब करने के लिए आपको किसी एकांत स्थान में जाना है। पहले तो आपको पानी पी लेना है और पेशाब करने से पहले एक मंत्र का आपको प्रयोग करना है। उस मंत्र का जाप करके उसके बाद उसका अपने मन में ध्यान करते हुए पेशाब करना है। किस तरह से करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें लेंगी, एक एक स्टेप को आपको बारीकी से सुनना है, समझना है। कभी कभी अचानक से हमारे जीवन में कुछ ऐसी आवश्यकताएं पड़ जाती हैं जहां पे हमको ऐसा लगता है कि हमें वशीकरण के उपायों का प्रयोग करना होता है। वशीकरण का उपाय किसी को अपने बस में करके अपना मनचाहा कार्य करवाने के लिए होता है। अपना इच्छित कार्य करवाने के लिए वशीकरण तंत्रों का, मंत्रों का, टुटकों का व अन्य उपायों का प्रयोग किया जाता है। वशीकरण के लिए यह आवश्यकता है कि आपके मन में कोई तनाव ना हो, कोई टेंशन ना हो, और जिसको अपने बस में करना चाहते हैं उसके प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास हो, और कभी भी बुरे नियत की भावना से इसका प्रयोग कदापि ना करें। किसी को चोट करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुँचाने की नीयत से कदापि इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वशीकरण एक सहज अवस्था है, यह स्वतः आपके मन में प्रस्फुटित हो जाती है। यह किसके साथ कब हो सकता है, किस उम्र में हो सकता है, यह कोई नहीं जानता है। कभी कभी अचानक से कोई हमारे मन को भा जाता है, हम उसके बगैर रह नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि इन किन प्रकार उससे हमारा संबंध बन जाए, वो हमको इग्नोर ना करे, वो हमसे प्रेम करे, वहाँ वशीकरण का प्रयोग किया जा सकता है। मगर वशीकरण का प्रयोग तभी सफलदायी होता है जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो। जब एनर्जी बैलेंस होता है तो आपके सभी कार्य अनायास ही बनने शुरू हो जाते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती है। अगर आपको यह नहीं पता है कि आपकी एनर्जी बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, तो अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन देते हुए आवश्यकता पड़ने पर उचित समाधान भी करूँगा। और जब भी आप हमसे संपर्क करें तो यह प्रयास करें कि फ़ोन कॉल का प्रयोग ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपना नाम, अपना तुरंत खींचा हुआ फ़ोटो और जिसको अपने बस में करना चाहते हैं उसका कोई भी लेटेस्ट फ़ोटो जो आपके पास उपलब्ध हो उसको सेंड करें। हमारे यहाँ जो भी मैसेज आता है वह गुप्त ही होता है, किसी दूसरे को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है, अतः निसंकोच आप मैसेज कर सकते हैं। और जब भी किसी भी टुटकों का, यंत्रों का उपयोग करें तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। उसके पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद लेकर के ही प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बिना गुरु के कोई सिद्धि हो नहीं सकती है, अतः गुरु का होना आवश्यक है। आपके पास कोई गुरु नहीं है तो गुरु की तलाश करिए, और यदि आप गुरु की तलाश नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल निराश भी ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें, तत्पश्चात कोई प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके आप प्रयोग करेंगे तो आपको आसानी मिलेगी हर कार्य को करने के लिए। इसके लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स के नीचे टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और इस रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूँ
तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप को ऐसा लगता है कि आप ये प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करिएगा। मैं आप लोग के लिए प्रयोग करके उचित तंत्र का मंत्र का प्रयोग करके आपका समाधान करूंगा। हाँ, अगर इसमें कुछ पूजा पाठ की सामग्री खर्च आएगी तो वह आपको देना होगा, जिसके लिए आप व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करें। और आज मैं जो प्रयोग दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वह प्रयोग भी अपने आप में बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। श्रद्धा भाव विश्वास के साथ इसको करके देखिए। एनर्जी बैलेंस है तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। इस प्रयोग को कभी भी आप करिए, शुक्ल पक्ष में करना है। शुक्ल पक्ष में एकांत स्थान पर जाना है और कपूर ले लेना है आपको। कपूर की एक टिकिया ले लेनी है और मैं जो मंत्र बताऊंगा उसको पहले आप 11 बार जाप करना है। मंत्र है त्रिम त्रिम त्रिम, एक बार हो गया त्रिम त्रिम त्रिम, दो बार हो गया, ऐसे आपको 7 या 11 बार इसको जप कर लीजिए। उसके बाद आपको उसका नाम लेना है, उसके बारे में सोचना है। अगर आप एक पुरुष हैं तो युवती के बारे में सोचना है और स्त्री है तो पुरुष के बारे में सोचना है। उसके बाद उसका ध्यान करते हुए आपको कपूर पर पेशाब कर देना है। आपको कपूर ले लिया है, कपूर पर पेशाब कर देना है। पुनः जब आप पेशाब कर लें उस व्यक्ति का स्मरण करिए, उसका नाम लीजिए। उसके बाद से उस स्थान को छोड़ करके पीछे मुड़े बगैर आप अपने जगह पर चले आए। यह प्रयोग अपने आप में इतना असरदारी है कि अगले दिन से ही इसका असर शुरू हो जाता है। अपने आप में बहुत प्रचंड प्रयोग है यह प्रयोग। चांदनी रात में किया जाता है। इस प्रयोग से किसी को भी अपने आकर्षण पास में, बसीकर पास में, सम्मोहन पास में तुरंत ही कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।